सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली है, पढ़ावा लिखावा कर घोटाला किया, कर्जा लेके ये आंसू एक मजबूत हंसी है, पैसा लेकर आगे पढ़ावा कर पढ़ा लिखा कर जब एसडीएम बनाया पत्नी को एसडीएम बनाकर धोखा दे रही है, ओकरा के धोखा दे रही है, संबंध और गाजियाबाद में गांव समाज में सही करना मनीष दुबे से है, रोल मॉडल निवासी ज्योति मौर्य से सर बहुत धूमधाम आलोक मोरिया भैया पत्नी कह पढ़े आलोक घर से पैसा उन्हें भेजते रहे, तन पेट काट कर आलोक ने ज्योति को पढ़ाया और उनकी मेहनत भी रंग लाई, ज्योति पीसीएस अधिकारी बन गई, लेकिन अधिकारी बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल से चले गए और बाद में उन्होंने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, इसके अलावा ससुराल वालों को भी घेरे में ले लिया, आलोक का एहसान वो भूल गई और उन्होंने बाकायदा उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था, इसी के बाद आलोक को ज्योति पर शक हुआ और उन्होंने ज्योति पर नजर रखनी शुरू की। गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में से, इसके बाद सर 2010 में चले गांव निवासी ज्योति मौर्य से सर, बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था, ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, तो 2016 में सर तीसरे सत्पन्न 2000 सीधा साधा पति का मिला जाए।
सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्या, उनका भाई सचिन, क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे सर, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया सर? वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर, सर जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं सर? मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर, और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्या डीजी होमगार्ड सर, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर, अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर, सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्या ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे DPRO से मैं फोन पे बात की हूँ तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जाँच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर। वहाँ आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर, मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं की? सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत, महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध में आते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी ज्योति मौर्या की शादी आलोक मौर्या के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्या का आरोप है कि आलोक मौर्या ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं, वो उनसे तलाक चाहती हैं। PCS ज्योति मौर्या बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में GM के पद पर तैनात हैं। देखिए आलोक कुमार मौर्या के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक के मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्या ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। आलोक मौर्या का कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी SDM पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है, वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आएं। ज्योति मौर्या ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्या का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं।